हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे पास में है 50 वॉट का सोलर पैनल, जो कि उसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम, किस तरह से दिखाई देता है। ये ऐसा इसका बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास में है 50 वॉट का सोलर पैनल। इसको मैं खोल कर बता देता हूँ आपको कि वो कैसा है। काफ़ी मजबूत पैनल है और इसका जो फ्रेम बनाया हुआ है वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, काफ़ी हैवी है। और ये कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पर इसका जो वायर जॉइंट करने के लिए दिया हुआ है, ये हम इसको खोल कर अंदर से चेक करेंगे कि कैसा है ये, और इस पर क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। और ये मैक्सिमम पावर जो वॉट में लिखा हुआ है 55 वॉट, पता नहीं आपको वीडियो में इसकी क्वालिटी किस हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके बाद में जो इसका आउटपुट वोल्ट है वो 18.5 वोल्ट, ये धूप के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। और एम्पियर देखने जाएं तो 2.98 एम्पियर है इसका। और बहुत ही अच्छी सोलर पैनल है ये, KSS सोलर, एक ब्रांडेड सोलर है और वज़नदार भी है। मैं इसको उठा रहा हूँ, लगभग ये 5-6 किलो का वज़न होगा इसमें। और अभी इस मल्टीमीटर, ये हमारा एक यूनिटी मल्टीमीटर है, इसकी मदद से हम देख लेते हैं कि इसमें अभी फ़िलहाल वर्तमान में कितना वोल्ट आ रहा है। मैं इसको 200 पर सेट करूँगा मल्टीमीटर को, 200 वोल्ट DC। उसके बाद में मैं इसको ये सोलर पैनल के पीछे वाला जो ढक्कन है उसको खोल के चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। इसको आपको ध्यानपूर्वक खोलना है, अगर आपके पास ऐसा सोलर पैनल है तो ध्यान से खोलना है कि प्लास्टिक का ये जो भी जॉइंट वगैरह है वो डैमेज ना हो जाए। ये एक बार टूट जाने के बाद आप इसको फिर से दोबारा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, मल्टीमीटर पर अभी 0 शो हो रहा है। अभी मैं इसको प्लेट के साथ में अटैच करने का कोशिश करता हूँ। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी सोलर होगा उसका ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव रहेगा और ये वाला पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर डायोड के जो डायोड लगा रखे हैं उससे भी हमारे को पता चल जाता है। और नीचे यहाँ पर मार्किंग भी किया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव का। और ये मैंने इसमें लगाया है, थोड़ा धूप के साइड में रखेंगे तो ये भी आप हमारा मल्टीमीटर देख सकते हो। मल्टीमीटर में जो वोल्ट आ रहा है 20 वोल्ट्स और 20 से कुछ ऊपर दिखा रहा है, और मतलब इसमें वोल्ट आ रहा है। और अभी 20 वोल्ट तो है, लेकिन जैसे कि धूप बढ़ेगी उसी के साथ साथ इसका एम्पियर भी बढ़ जाएगा। अभी मैं एम्पियर आपको नहीं चेक करा सकता क्योंकि मेरे पास एम्पियर चेक करने का कोई भी उपकरण नहीं है। और दूसरा, मल्टीमीटर के सिवाय वास्तव में इसमें वोल्ट DC आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लेट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक और दूसरा आइटम है, वो चेक कर लेते हैं। मेरे पास DC आइटम जो कि DC पट्टियाँ हैं, ये हमारी DC पट्टी है जो कि इस तरह से DC पट्टी है। आपने बहुत सी जगह इस टाइप की पट्टी देखी होगी। ये पट्टी हम सीधा इसके साथ में लगा लेंगे। वैसे ये 12 वोल्ट पर चलाने के लिए ही होती है, फिर भी हम इसको 20 वोल्ट से चलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका एम्पियर इतना नहीं होता है। एम्पियर कम होने की वजह से हम इसको इस पर ट्राई कर सकते हैं। इसका ये वाला नेगेटिव वाला हिस्सा है और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है। अभी मैं देखो डायरेक्ट सोलर के साथ में लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा LED जल रहा है। मेरा हाथ हिल जाने की वजह से ये चालू बंद हो रहा है, लेकिन अच्छा वोल्ट बाहर निकल रहा है। तो ये जो पावर है हम इसको डायरेक्ट DC यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो DC आइटम है उसको चलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके सिवाय ये सबसे मेन काम होता है, ये हमारा बैटरी चार्ज करता है। अगर आपका बैटरी जो अपना बोलेरो पिकअप है अथवा कोई भी टेम्पा उस 407 वगैरह टेम्पा है, उसका बैटरी ये आसानी से एक दिन में फुल चार्ज कर देगा और फिर आप नाइट में यूज़ कर सकते हो उस बैटरी को। अभी मेरे पास फ़िलहाल बैटरी नहीं है, नहीं तो मैं बैटरी के साथ में अटैच करके भी आपको दिखा देता। अभी मैं इस पर एक और दूसरी आइटम चेक करा देता हूँ, प्लेट को और अच्छे से चेक करने के लिए। मैंने यहाँ पर वायर जॉइंट कर लिया है, ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव वायर लगा दिया है, यहाँ सॉरी यह मैंने पॉजिटिव लगाया है और ये मैंने नेगेटिव वायर लगा दिया है।
और यहाँ से अंदर से नीचे से निकालना होता है वायर, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए ऊपर से ही वायर ज्वाइंट कर दिया है। अभी मैं फिलहाल ये ढक्कन नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही प्लेट को धूप में रख दूँगा। ये मैंने प्लेट को धूप में रख दिया है, धूप में रखने के बाद आपको ठीक से दिखाई नहीं देती होगी, ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसकी वजह से, और धूप भी पूरी प्लेट पर नहीं है, यहाँ पर थोड़ी छाँव है, यहाँ पर थोड़ी छाँव है। और अगर ये एकदम बहुत ही ज़्यादा धूप में रहेगी तो और भी हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसका पूरा पूरा पावर यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास में ये डीसी फैन है, मैं इस फैन को इस सीधा डायरेक्ट जो अपना 50 वोल्ट का सोलर पैनल है उससे चालू करके टेस्ट करने का प्रयास करता हूँ। ये इसका वायर है, और जो मैंने इसके साथ में नीचे जो वायर ज्वाइंट किया है वो वायर यहाँ से होता हुआ ये इधर आ रहा है, और अभी मेरा ये जो भी वायर है मैं इसको इसके साथ में लगा लेता हूँ। ये फैन का वायर एक तरफ, दूसरा वायर है हमारा सोलर का है, और ये मैं इसके साथ में लगा देता हूँ, और फिर इसको ट्राई करता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है करके। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा ये पंखा है वो चालू हो गया है। यहाँ पर मैंने सोलर पैनल का वायर एक तरफ लगाया है, दूसरे साइड में मैंने लगाया है हमारा डीसी फैन का वायर, कि आपस में फॉल्ट नहीं हो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ इसको। और अच्छी हवा आ रही है, पंखा चल रहा है, अगर आपके वहाँ पर लाइट नहीं है और दिन में यूज़ करना है फैन को तो आप बिना बैटरी के भी इस पंखे को चला सकते हो, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, सीधा डीसी सोलर पैनल से आप पंखा चला सकते हो, और इससे थोड़ा साइज बड़ा रहेगा पंखा वो भी चल जाएगा, और इससे थोड़ा छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कॉमन है और ये इस 50 वोल्ट की प्लेट के लिए ये परफेक्ट है। अभी मैं इसको थोड़ा कम ऐसे मतलब खड़ा करूँगा, और ये जैसे कि अभी बंद हो गया, यानी कि अभी धूप नहीं है इसके ऊपर तो ये बंद हो गया, अभी ये इसके ऊपर धूप आई है, जैसे ही धूप आई है फिर से चालू हो गया, और बहुत ही अच्छा पंखा है, हम इसको यूज कर सकते हैं आराम से, और ये अच्छा सिस्टम है। अभी साथ ही मैं इसका प्राइस भी बता देता हूँ, ये हमारा जो 50 वोल्ट का सोलर पैनल है इसका प्राइस हम यहाँ पर सेल कर देते हैं इसको तकरीबन 2000 के आजू बाजू, हो सकता है 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है इसका। और ये जो हमारा फैन है इसमें ये मूविंग वाला फ़ैन होने की वजह से ये 400 रुपये इसका रेट है, और बिना मूविंग वाला अगर ये फ़ैन रहेगा तो ये 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो ये 2500 रुपये के समथिंग आपको टोटल हो जाएगा ये, और ये फ़ैन वाला जो सिस्टम है आपका बिना लाइट के चालू हो जाएगा। बस यही था मेरा 50 वोल्ट का सोलर पैनल वाला वीडियो, थैंक यू।